शाही मददुल्लाह उराई का खिताब समाप्त फरमाते हैं तो नारों से इस्तकबाल कीजिए और कुछ इस अंदाज में के हाथ हिला हिला के झूम झूम के तमाम नारों का जवाब दीजिए। समाप्त फरमाइए, नारे तकबीर इससे पहले बहुत खिताब हो चुके, वो जो सुने तो ज़ाकरीन ने सुने। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी आवाज अपनी बरादरी में भी पहुंचा अपने अलाकों इलाके के लोगों को भी पहुंचाऊं, क्योंकि मैं इनके साथ पढ़ता रहा खेलता। जब मैं इनके साथ खेलता था पढ़ता था इनके साथ गुनाहों में था, ये मुझे बड़ा प्यार करते थे। और जब मैं जंगलों में चला गया तौबा साहब करी, गुनाहों की माफी मांगी, कोई अल्लाह का करम हुआ तो मुड़ के आया कि सारे मुझसे बेदार हो गए। अब मैं चाहता हूं कि इनको वो भी बताऊं जो कुछ तुमको बताया। शुरुआत में मैंने अपने आप को बहुत छुपाने की कोशिश करी, मैंने तुम रातों को खत नहीं लिखे, तुमको बुलाया नहीं, तुम खुद ही मेरे पीछे लगे। जब देखा कि अब छुपने से छुप नहीं सकता तब क्या इन तक भी अपनी आवाज। हमारे इलाके में ज्यादा जोर जो है ना वो आलमों का, जिस तरह आलम कहता है उस तरह हमारी आवाज करती है, क्योंकि आलम हर जमाने में होता है वली कभी कभी। और इस हमारे इलाके में जो वली आए भी तो वो शरीयत के वली थे, ना तरीकत के थे ना हकीकत। इस वजह से हमारे इलाके के लोग शरीयत तक की महदूद है, इससे आगे कुछ नहीं जाना, और कुछ ना जानने की वजह से वो हमसे दूर हो गए, बल्कि वो हमारे दुश्मन हो गए। हजूर पाक फरमाते हैं तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से तीन इनाम हासिल हुए, एक आम के लिए, एक खास के लिए, एक सिर्फ मेरे। वो जो उन्होंने सिर्फ उन्हीं के लिए था, पता नहीं उनको क्या होगा, वो लोग हमको दे दिया। जब शाह मंसूर पे फतवा लगा तो उलमा ने कहा कि तन से गर्दन जुदा करो। वो कहने लगा मेरे क्या कसूर है, मैं खुद थोड़ी बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह, मुझे उसने वो इल्म दे दिया मेरे अंदर संभाले नहीं जाता। अब मुझ में अगर